हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा, बोर्ड विजिबल है ना पूरा? यस सर। नीचे का थोड़ा देखिए, जनरल फॉर्मूले हैं। हम कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन में हमें कंसंट्रेशन पढ़ना होता है। पहला है मास परसेंट और परसेंट बाय मास, राइट। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू, सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन का मास इनटू 100, क्योंकि परसेंट है। परसेंट बाई वॉल्यूम, इसे हम वी बाई वी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर परसेंट मास बाई वॉल्यूम, तो हम इसे डब्ल्यू बाई वी लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन, इसे शॉर्ट में हम ppm भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो आपने क्वेश्चंस किए भी हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो na मोल ऑफ सॉल्यूट, nb मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट का?
x a से रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन करिए नंबर सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है रीजॉइन करो सबका हो गया यस सर डन आपने इससे पहले मोलैलिटी और मोलैरिटी टर्म पढ़ा था यस सर
देखिए मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया होगा कन्वर्ट करेंगे हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ आप ध्यान से देखिए ये 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है करीब हम हो गया देखिए जरा नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एन डब्ल्यू बाय ई इनटू 1000 अपॉन वी वी वॉल्यूम है जो एमएल में होगा आपका ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है इसके बाद इन केस ऑफ डाइल्यूशन अगर हम बात करें बिफोर और आफ्टर तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जिसमें नॉर्मेलिटी में दिया है मोलैरिटी में दिया है उसमें सॉल्व करेंगे अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो टोटल नॉर्मेलिटी इनटू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू N1V1 N2V2 जितने भी हैं आप ऐड कर दीजिए मोलैरिटी भी है तो सेम मेथड होगा अब एक और चीज की हमें जरूरत पड़ती है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को इंटरचेंज करने की
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने आपको सारे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं.
देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन। दूसरा है कैलकुलेट मोलैरिटी, ये तीन पार्ट में क्वेश्चन है ए बी सी। ए है 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 0.365 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको जो फॉर्मूले बताए हैं डायरेक्ट अप्लाई होंगे, करिए जरा। आंसर्स मैं चेक करूंगा, आप कर लीजिए पूरे अटेम्प्ट।
सबका हो गया? यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। यस सर। कितना है इसको सॉल्व करके? 362.5 ग्राम। अब आपको सॉल्वेंट निकालना है तो 250 माइनस 62.5 कितना आ गया? आपका केन शुगर भी निकल गया और वाटर भी निकल गया, सही है? सर वो 25% है कि 2.5? 25% है बेटा। ठीक है, उतना चलेगा। अगर आपने 2.5 भी लिया है तो कोई मैटर नहीं कर रहा, आपका मेथड सही है कि नहीं बस वो देखते हैं। ए वाले में 4/40 × 100 मोलैरिटी 90,000/200 यही क्या है? Yes, sir. क्या आंसर है? 0.5। परफेक्ट। बी के लिए ये लिखा है हमने। Yes, sir. आंसर क्या है? 0.5। ठीक है। यही लिखा है 0.2। सबका सही है भाई? Yes, sir. अब जिसे कॉपी करना है वो कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे, अभी लेवल क्वेश्चन का थोड़ा चेंज करते हैं। Density of solution containing 13% by mass of H2O4 is 1.09. Calculate molarity and normality. करिए ट्राई।
1.1 आप कर लीजिए पूरे फिर एक साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा 1.09
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर्वेश आपका आंसर रॉन्ग है, थर्ड में मोलैरिटी 1.4 समथिंग आएगी। मैं थर्ड सोच रहा हूँ कर दूं थर्ड, आप लोगों का अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। थर्ड जिसने किया है वो मुझे बताएगा कैसे किया है। सर 100 ग्राम अज्यूम किया तो उसका लीटर हो जाएगा 1/19 हो जाएगा उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स फिर 100 ग्राम 13/98 हो जाएगा, तो उसका मोलारिटी निकाल लेंगे वो 1.445 आ जाएगा एंड इनटू 2 कर देना वो नॉर्मलिटी हो जाएगा। ठीक है 13% बाय मास का मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है। ठीक है हमने मोलारिटी के फॉर्मूले में सीधे लिख रहे हैं 13/98, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, ऊपर 1000 होता है, नीचे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और हमको दिया क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम में कैसे बदल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या करें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों भाई कैसे बदले सर आपने मास यहाँ पे 100 ग्राम अज्यूम किया है। क्या करें ऐसे ठीक है, अब देखिए वैसे तो इतना करके 100 ग्राम ही अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 13% है। एक तो ये तरीका कि हमने पूरा सब सोच करके लिखा कि यहाँ से हमको वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से हमने उसको यहाँ पे रख दिया। दूसरा तरीका इसका एक शॉर्टकट भी है, शायद आपको पता भी होगा, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। सर मैंने वॉल्यूम को 100 ml अज्यूम करके किया था, वो चलेगा क्या? हाँ तो वॉल्यूम को 100 ml ही अज्यूम करना पड़ेगा ना बेटा, मास 13% है ना, तो 13 ग्राम इन 100 ml ही तो हुआ। ओके ओके यहाँ पे मैंने वही तो रखा है ना 100 अपॉन 1.09 जो हुआ, ठीक है ना। थर्ड तो मोलारिटी कितनी आ रही है आपकी यहाँ से 1.4, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 times 2.9 मैं अप्रॉक्स लिख दिया मैंने 1.4 समथिंग समथिंग आएगा। चलो नेक्स्ट 2 करो 4-5 करो।
सर क्वेश्चन 6 में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो आप एक बार डिक्टेट कर सकते हैं देखें हां कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/10 सॉल्यूशन सर 6th क्वेश्चन था 6th का सॉरी अच्छा 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर
हुआ भाई यस यस सर मोलैरिटी निकाली प्योर वाटर की कैसे निकालेंगे सर डेंसिटी 1000 kg 1 kg वो होता है ना देखिए एक लीटर में मोलैरिटी होती है वेट हमें चाहिए होगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वेट हमें नहीं पता है तो हम वेट कितना ले ले हमें 1 लीटर पता है यानी हमें वॉल्यूम पता है 1 लीटर 1000 ml डेंसिटी हमको पता है 1 होती है yes, तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम तो 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80 अब आप एक लीटर में निकाल ले और 1000 बाई 1000 ही रहेगा ये तो कैंसिल ही होने वाला है 55.5 ठीक है भाई यस सर फिफ्थ क्वेश्चन कैलकुलेट क्वांटिटी और आपको मोलैरिटी दी हुई है ठीक है मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं m by 10 है यानी 0.1 मोलैरिटी वेट आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है इनटू 1000 अपॉन 250 ml ये किया है yes, कितना आया 0.848 कितना है 0.65 हाँ 2.65 आएगा क्या गड़बड़ किया है जो आंसर ऐसा आ रहा है कैलकुलेशन ठीक है ना नेक्स्ट मोलैलिटी निकालनी है अगर हमें तो ऑफ शुगर सॉल्यूशन तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया डेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 34.2/342 इनटू 1000/214.2-34.2 यही किया है मोलैलिटी के लिए सब्ट्रैक्ट करना हाँ क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स निकाल लीजिए पहले आप बता दीजिए मोलैलिटी कितनी आ रही है आपकी ये आनी चाहिए मोलैलिटी मैंने वो 74 ले लिया क्यों 74 कहाँ है थ्री के बदले 7 दिखा तो मैं 70 पर फॉर्मूला बराबर है ना हाँ सर ठीक है उतना चलेगा बस समझ आया ना आपको यस ऐसा कंसेप्ट बराबर रहना चाहिए फिर डेटा और कैलकुलेशन तो ठीक है चलेगा वो तो अपने हिसाब से आप कर लीजिए
ये आंसर मैंने बराबर लिखा है ना? 0.5 आपको यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखना होता है वो बताइए आप पहले. आपके पास सॉल्वेंट है क्या? नहीं सर. ठीक है. yes. सर आपने वो शुगर का फॉर्मूला क्या दिया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? भगवान शुगर का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं मैंने एक्चुअली ग्लूकोज का ले लिया था इसलिए. करिए
राहिल, यस सर, आप कौन से बैच में हो? आपके बैच मतलब ऑरेंज हाउस का। इसके अलावा भी किसी बैच में आते हो आप? नहीं सर। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं नहीं, एक और राहिल मोदी है तो आई थॉट कि तुम उसी बैच में भी हो।
चलो जरा सेवेंथ क्वेश्चन मुझे बताओ कैसे किया है। सर मास दिया हुआ है और तो हम वो 1 लीटर है तो उससे वो मास निकालेंगे टोटल मास और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4.18 डिवाइडेड बाय 0.3827 से आएगा वो 5 हो जाएगा। पहले तो देखिए मोलैरिटी यही किया हमने, बराबर है मोलैरिटी? यस सर। आपका मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। डेंसिटी गिवन है, क्या चीज बोल रहे हो? मोलैरिटी 0.005। हाँ रुक जाओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है? 832.7 बराबर है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में से रख देते हैं, 4.5.02 यही आया। यस सर। सबका मैच कर रहा है क्यों भाई? जिसका मैच नहीं कर रहा वो मैच कराओ पहले। किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन पे? नो सर। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पर आते हैं। डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन इन वाटर, तो मोलैलिटी बतानी है तो हमको पहले क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। Yes, तो मोल्स कैसे निकलेंगे? सर मल्टीप्लाई बाय 60। क्यों? वेट निकले 60 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे बताइए? वेट ऑफ 60 COOH। मोल्स भी उसका 2.03 पर लीटर सॉल्यूशन। तो अगर 2.03 है उसका मोल, फिर आगे क्या करेंगे? आपके पास देखिए, मैं ऊपर वाला इरेज करूं क्या पहले? यस सर। मोलैरिटी का मतलब ही होता है इतने मोल्स इन पर लीटर, पर आपके पास डेंसिटी है तो डेंसिटी का भी हम मास निकाल लें, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? इनटू 1000 कर दें। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मोल्स हमें गिवन है 2.03। हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? बोलिए कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं।
कितना हो जाएगा? अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, आपके पास मोल्स भी हैं, कर सकते हैं अभी। क्यों भाई, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? मोल्स 2.03, वेट ऑफ सॉल्वेंट 895.2 ग्राम इनटू 1000, इससे जो भी आएगा वही आंसर होगा, 2.26 आ रहा है। मैच कर रहा है क्या? बोलिए भाई। बहुत सारे लोगों ने 1.13 आया। क्या 1.13 आया सर? आंसर नहीं, आंसर शुड बी दिस। आप चेक करिए आपने कहां मिस्टेक किया है। कैलकुलेशन में होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सही लिया है। कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन ध्यान से करो। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट वाला, नाइन्थ वाला करिए। मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, किसी को कॉपी तो नहीं करना है ना?
डन सर. सबका हो गया? क्यों भाई? चलो जरा नाइन्थ देखें. सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.64 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर मास परसेंट. ये सही लिखा है मैंने? यस सर. सोच के बोलो ये सही है? 65.64 आए. नीचे सॉल्यूशन आता है. ठीक है, अब मोलैलिटी देख लें. इसका आंसर कितना आ रहा है? 8.59 ना, 0.5 आ रहा है.
अच्छा हाँ सॉरी इसका मोलारिटी का जीरो मोल फ्रैक्शन तो मोल्स निकाल लीजिए 0.0808 ये आएगा आपका ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और अगर वाटर का निकालना है तो बस वन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ठीक है ना नाइन्थ वाला यस यस सर अब आते अपन टेंथ वाले पे टेंथ वाला बताइए जरा कैसे स्टार्ट किया है तो मास बाय वॉल्यूम है ना 30% हाँ 30% बाय मास है मास बाय वॉल्यूम वो आपको समझना है उसका मीनिंग क्या होगा सर 300 ग्राम कहाँ से आ गया सर मास ऑफ सॉल्यूट हम्म और सर मास ऑफ सॉल्वेंट 918 ग्राम 918 ग्राम कैसे हुआ देखो दो केसेस हैं 30% बाय मास ऑफ H2SO4 तो फर्स्ट केस में 30 ग्राम ये हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.218 30% का मतलब 30/100 हुआ ना तो कितना हो गया 121.8 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपको मोलैलिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा फिर दोनों का मास मोल्स निकालना नहीं अभी आपने 30% H2SO4 जो दिया है वो क्या मास ऑफ सॉल्यूट है सर मुझे मास ऑफ H2SO4 365.4 ग्राम था कैसे मैंने वॉल्यूम 1000 ml लिया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1218 आएगा और फिर 30% ऑफ 1218 मास ऑफ H2SO4 है लेकिन ये 1000 क्यों लिया आपने 100 ml डायरेक्ट आएगा 1 liter लिया अच्छा तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया 30% ऑफ दिस जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है वन टू वन पॉइंट एट इंटू 30 3.6 आ रहा है एक लीटर में ही निकालते हैं मेरा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फोर सेकेंड केस में कितना आ रहा है सर वो 365.4 है 36.54 है नहीं क्या कह रहे हो 100 लिया मतलब सो 1.218 इनटू 1000 1218 आएगा और फिर 30 इनटू 1218 फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 365.4 आएगा ना एक सेकंड 1218 इनटू 30
one second. अब बोलो आप क्या बोल रहे हो, हम आपको बताते हैं। हमने 100 ml में क्यों लिया, क्योंकि हमें 30% बोल रहा था, तो 30 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसलिए हमने 100 लिया है। अब यहां से आप मास ऑफ वाटर निकाल दीजिए, कितना होगा 121.8 माइनस 36.54। आप 360 कैसे ले सकते हो, 1218 से ज्यादा नहीं हो जाएगा वो? मैंने 121.18 लिया था ना, पॉइंट नहीं लिया था। ये आपका मास ऑफ वाटर आ गया। सेम चीज आपको सेकंड केस में करते हैं, आपकी 70% है। पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहां भी। मास ऑफ एक्सक्लूसिव फोर कितना हो गया, मास ऑफ वाटर कितना हो गया 161 माइनस 112.7 48.3। अब टोटल मास ऑफ एक्सक्लूसिव फोर ले लीजिए और टोटल मास ऑफ वाटर ले लीजिए। टोटल H2SO4 कितना हो रहा है बोलिए, यहां पर 36.54 प्लस 112.7 कितना आ रहा है 149.24। टोटल वाटर कितना हो रहा है निकालिए जरा, वाटर ऐड करके 85.26 प्लस 48.30 कितना हो जाएगा ऐड करके, ये आपका ऊपर जो है सॉल्यूट आ गया, ये आपका सॉल्वेंट आ गया। अब आप निकाल दीजिए मोलैरिटी। सर केस वन का आंसर एक बार बोलो क्या, केस वन में किसका चाहिए, मास ऑफ वाटर 85.26 है, मास ऑफ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, दो मिनट दो। तो 149.24 अपॉन 98 133.66 इनटू 1000 ये आ गया आपका। इलेवन पॉइंट फोर आंसर आएगा। समझा भाई? सर वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सर मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम नहीं, नहीं कहां पर नहीं, 30% बाय मास का मतलब क्या होता है, देखो जाके मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। हां सर वही कंफ्यूज हो रहा हो गया ये। बोलिए भाई सर, कॉपी हो गया?
इसके बाद का आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे कराते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस? यस सर, यस सर, ओके बेटा, बाय बाय सर, थैंक यू सर।